एक ऐसी बुक जिसने विज्ञान की दुनिया में तहलका मचा दिया। स्टीफन हॉकिंग की फेमस बुक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम फ्रॉम द बिग बैंग टू ब्लैक होल्स। 1983 की शुरुआत में स्टीफन हॉकिंग ने पहली बार कैम्ब्रिज प्रेस के एडिटर साइमन मिंटन से संपर्क किया। उन्होंने एस्ट्रोनॉमी पर एक पॉपुलर बुक लिखने का विचार प्रस्तुत किया। एडिटर मिंटन को मिस्टर हॉकिंग की पंडलिपि के सभी समीकरणों के बारे में संदेह था, क्योंकि एडिटर को लगा था कि सभी आम रीडर्स से दूर हो जाएंगे। यदि इस बुक में बहुत सारे समीकरण होंगे तो यह आम रीडर्स के लिए समझना काफी मुश्किल हो जाएगा और वो उसे पढ़ना पसंद नहीं करेंगे, खासकर एयरपोर्ट्स की बुक स्टोर्स में। इसलिए एडिटर मिंटन ने मिस्टर हॉकिंग से इन इक्वेशंस को उठाने के लिए कहा, लेकिन मिस्टर हॉकिंग ने केवल एक समीकरण को छोड़कर बाकी सभी को उठाने पर सहमति दे दी। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। इस बुक में मिस्टर हॉकिंग ने ब्रह्मांड की संरचना, उत्पत्ति, विकास और अंतिम भाग्य के बारे में लिखा, यानी कि यूनिवर्स के खत्म होने के बारे में। उन्होंने इसे ऐसे रीडर्स के लिए लिखा था जिन्हें फिजिक्स के बारे में पहले कोई भी नॉलेज नहीं थी। यह बुक यूनिवर्स विज्ञान और मॉडर्न फिजिक्स के अध्ययन का एक विषय है और मिस्टर हॉकिंग ने इसे एक सरल और गैर तकनीकी शब्दों में लिखा है ताकि कोई भी जनरल रीडर इसको समझ सके। इस बुक में मिस्टर हॉकिंग ब्रह्मांड की संरचना और उत्पत्ति पर विस्तृत चर्चा करते हैं। वो बताते हैं कि इस यूनिवर्स की शुरुआत बिग बैंग से हुई थी। बिग बैंग के बाद यूनिवर्स तेजी से विस्तृत हुआ और आज भी यह विस्तार जारी है। वह स्पेस टाइम एंड बुनियादी अवधारणा को भी समझाते हैं जो इस यूनिवर्स को समझने में इम्पोर्टेंट हैं। मिस्टर हॉकिंग ने ब्लैक होल्स के बारे में साबित किया कि ब्लैक होल्स विकिरण उत्सर्जित कर सकते हैं, जिसे अब हॉकिंग विकिरण के नाम से जाना जाता है। यह खोज फिजिक्स में एक मील का पत्थर साबित हुई और इसने यूनिवर्स के कई मिस्ट्रीज को समझने में हमारी मदद की। इस बुक में मिस्टर हॉकिंग ने ब्रह्मांड को बनाने वाली बुनियादी निर्माण सामग्री जैसे कि क्वार्क और इसे नियंत्रित करने वाली मूलभूत शक्तियां जैसे कि गुरुत्वाकर्षण के बारे में भी बताया है। वह बताते हैं कि क्वार्क प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के निर्माण का खंडन होते हैं और यह यूनिवर्स के सभी भौतिक पदार्थों का आधार है। मूलभूत शक्तियां ब्रह्मांड के कणों को एक साथ बांधकर रखती हैं और उनके व्यवहार को नियंत्रित करती हैं। मिस्टर हॉकिंग ने अपनी बुक में दो प्रमुख थ्योरीज जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स पर चर्चा की, जो कि गुरुत्वाकर्षण, अंतरिक्ष समय और कणों के व्यवहार के बारे में बताती हैं। मिस्टर हॉकिंग ने एक यूनिफाइड थ्योरी की खोज के बारे में भी बात की। यूनिफाइड थ्योरी वह थ्योरी है जो कि ब्रह्मांड में सब कुछ सुसंगत तरीके से वर्णन करता है। साइंटिस्ट अब तक इस थ्योरी को खोजने में सफल नहीं हुए हैं, लेकिन मिस्टर हॉकिंग का मानना था कि भविष्य में हम इसे जरूर पा सकेंगे। यह थ्योरी गुरुत्वाकर्षण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मजबूत और कमजोर एटॉमिक एनर्जी को एक ही फ्रेमवर्क में समझाने में सक्षम होगा। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम बेस्ट सेलर बन गई और इसकी 25 मिलियन से अधिक कॉपीज बिकी। बुक के 1996 संस्करण और उसके बाद के संस्करणों में हॉकिंग ने टाइम ट्रेवल और वार्म होल की संभावना पर चर्चा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो कैसी लगी कमेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें।